फोन ले लो गाइस, ये वाला मोबाइल फोन इतना बड़ा है ना, आंखें दिखा रहा है मेरे को बच्चों, हमेशा 10 नंबर बीड़ी लीजिए। यो भाइयो चलो भाई गाड़ी तक ओए हाजी। हम सफर मेरे साथी दोस्तों, कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू अदर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया हो गया, बढ़िया ही रहना। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम बढ़िया मॉर्निंग वॉक से। कल मैं जा रहा था तो रॉकी मिल गया, मैंने सोचा ब्लॉग भी शूट ही कर लेते हैं, रॉकी साथ साथ जा रहा है। आप सभी लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे देखो कुत्ते जीभ निकालते हैं, चाहे थोड़ा हल्का हल्का चलते हैं ना भी जीभ निकालते हैं, ऐसा क्यों होता है बिना मतलब का? रॉकी रॉकी यहाँ से भाई देखा समझदार कितना है। रुकी 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 यहाँ ऊपर, जैसे ये भी भूल गया। नहीं नहीं वैसे डॉग भूलते नहीं है रास्ता, ऐसा सुना था मैंने किसी से। आजा आजा रे हम सब है। चलो फिलहाल चलते हैं, और जब नया रास्ता निकाला है ना, मेरे को रास्ते का पता लग रहा कहाँ है। रुकी भाई कहाँ से रास्ता? वो भाग गया, गलत आ गया मैं यार, थोड़ा सा ऊपर को चलना था। ये भाई ये पहुँच गया पहले। अरे भाई इसको कैसे रहेगी याद? भाई डॉग इज डॉग यार, देखो कितनी रहती है। यहाँ से आए थे हम, भाग गया साई। राखी रुक एक फोटो लेना, राखी राखी रुक के भाई फोटो लेने नहीं देते यार। घर में पहुंचा बना दी गोली, तो रीनू जा रही थी कॉलेज बट आज क्लास नहीं थी, इसको वापस आना पड़ा। उधर से आई वापस आप दे रस्ते थे, ये सीखी दियो आ रहा था कोई पाने उस तरी ने तो आगे वापस, क्योंकि इसका क्लास थी एक ही। रे भी आई इसने लगा कैसे यहाँ उधर तक पहुँच गई ऊपर, जैसे आगे वापस वाला किसने जाना। मैं तो पहले ही मैंने बोला था मैं नहीं जाऊँगा आज, एक क्लास के लिए कौन जाएगा भाई यार कॉलेज, वो भी है लेट। इतना लेट क्यों? मतलब मैं जा रहा हूँ नीचे स्प्रे करने के लिए खेत में, पानी ले जाता हूँ मैं, क्या करे ले तो बैठ नहीं सकते। तो क्या इसको उठाते हैं और चलते हैं। बढ़िया नमस्कार भाई जी, पानी जोड़ रहे हो ऊपर से? नहीं जोड़ दे कि देखो पहले पानी आ जाऊंगा। दोस्तों फिलहाल पानी जोड़ देता हूँ ऊपर से, काफी दूर जाना पड़ता पानी जोड़ने के लिए, यहाँ पर पानी नहीं है, वे करनी पड़ेगी। ये लास्ट लास्ट खेत हमारे ना, इसलिए थोड़ा दूर है, करनी पड़ती है सेटिंग है। तो आगे पूरा बाड़ लगा के रख दिया है, उसके जाना पड़ेगा। ये डंगा गया उसका बेचारे का, क्लानिए का। नल में पानी है यार, ये खींची नहीं पड़ती है क्या? ना ना ये तो पक्की है, ये लगानी पड़ेगी शायद। हाँ ये लगानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके। यहाँ रुके एक मिनट, आया क्या? जोड़ दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी फुल ओके। ये भी एक शॉर्ट रास्ता, देखा देखा नहीं आदमी, शॉर्ट रास्ता पहुँच गया। दो मिनट लगते सिर्फ, दो मिनट। टंकी टंकी गई है परे, अजी आया पानी। अच्छा है सोलो, मैं सोचा ये नहीं है पानी। हाँ चलो है पानी, ये भी ठीक है। और इस हिसाब से बहुत टाइम लगेगा। दोस्तों तो मैं हूँ पानी ढोने वाला, और पापा जी कर रहे हैं स्प्रे यहाँ पर। बढ़िया, ये पंप ना ये वाला नहीं होता ठीक, वो मोटर वाला होता है बहुत अच्छा। बाकी रहो कितने आराम से होता है। बाकी ये जो तीन खेत हैं जो साफ साफ दिख रहे हैं आपको, ये तीनों हमारे हैं। ये ऊपर वाले भी है, मतलब पापा जी के और के भाइयों के, मतलब ये बांटे हुए हैं सभी को। दूसरे नंबर की बाल्टी भरते हैं, अब मैंने पहले उस साइड रखी थी, अब मैंने इस साइड रखी क्योंकि इधर से ठीक डालने के लिए शॉर्ट थी, यहाँ से लाना नहीं तो फेरा पड़ता बेकार यहाँ का। छोटा सा फेरा पर तब भी ऐसे निकालने में हो रही है दिक्कत ना, ये इसी के बराबर। देखो ये दूसरा पंप लग चुका है, वो देखो वहाँ पर पहुँच चुके हैं इतने दूर। मेरे को ना सिनेमैटिक चेक करवाने चाहिए आपसे, मैं बनाता नहीं हूँ मेरे को, क्योंकि अच्छा नहीं लगता सिनेमैटिक वाली वीडियो बनाना। चलो कराएंगे आज, हमेशा 10 नंबर बीडी पीजिए। आ रहा ऐसे बीडी वाले ना, काफी अच्छी कुर्सी है बट अब बहुत पहले की है, 20-25 साल तो होगी इस कुर्सी को। बहुत मजा आता जब मैं ऐसी सीट पर बैठता हूँ, जब वो ऐसी हिलती है देखो ऐसी ऐसी, देखो ऐसे मजा आ जाता है। निकल गया बाहर, बंद करना पड़ा है, होता नहीं भरना सब कुछ बंद करिए, जो पानी होगा ओवरफ्लो अपना काम भी होगा थोड़ा सा रहा। अभी मेरे को नहाना भी है, फिर उसके बाद करते हैं अगली कार्रवाई। तो जहाँ तक घर बैठ जाते जाते मैंने देखा ये गाय को क्या हुआ है, ये ऐसी क्यों हुई है, बीमार एक है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है हुई है, पता नहीं क्या होगा। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं घर, हो गया नीचे दवाई भी होगी खत्म, सब कुछ खत्म, खेत भी हो गया खत्म, थोड़ी सी दवाई गिर गई यहाँ पर, कोई बात नहीं इसको धोएंगे बढ़िया साफ हो जाएगा, और उसके बाद हम नहा लेंगे ठीक है। जिस दिन नहीं नहाओ ना ऐसा गंदा जैसा लगता है, आंखें दिखा रहा है मेरे को बच्चा, तेरी आंखें नोच दूंगा मैं। ओ भाई बहुत ही खतरनाक है, इससे कभी भी पंगा ना ले ठीक है। फिलहाल अभी मेरे को कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि दो चार दिनों के बाद कहीं जा रहे हैं हम, उसके लिए चाहिए पानी भरनी है गर्म की नहीं। फोन दिन तक कुछ दुख होता है। ओ यस बेबी, पानी गर्म है तो मैं नहा लेता हूँ और कपड़े धो लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं नहा चुका हूँ,
अभी हम जा रहे हैं खेत की साइड मक्खी लाने, आ जाओ लेना। मेरे को फिलहाल पिछले ब्लॉग की एडिटिंग भी अभी करनी है बाकी, तो 1 बज रहे हैं, 3 बजे मैं वीडियो डालता हूँ। कब आएगी मेरी वीडियो, कब मैं एडिट करूंगा भाई? फिलहाल मैं थोड़ी सी एडिट कर लेता हूँ जितनी होती है, अपलोड करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों वीडियो हो चुकी है फिलहाल पूरी एडिट, अभी मेरे को अपलोड करनी रह गया। ऐसे यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा देखो कितनी मस्त चली हुई है, मजा आ गया भाई यहाँ पर एडिटिंग करने का। मुझे यहीं पर एडिटिंग करने आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क भी काफी अच्छा है, हवाएं भी बढ़िया, ठंडी चली हुई है मस्त। ककड़ी खा लेते हैं, अरे बिस्कुट ले अंदर खाने, वो ककड़ी तो छंड मुझे बारा ये देख क्या बारिश ने टांग रहे हैं। फोन ले लो गाइस, तो 2 मोबाइल फोन है, एक मेरे पास ये हाथ में है, 3 और एक रीनू का है, 4। ये वाला मोबाइल फोन इतना बड़ा है ना, हाथ में इतना बड़ा लगता है, टैब की तरह है नहीं, टैब मोबाइल फोन है सिंपल स्क्रीन दिल का। तो इतनी धूप में काम कर रहे हैं, फोन चलाने की लप जो होती है ना वो आ ही जाती है। चलो ठीक है ले जाते हैं, सारी मक्खी ला ली है मैंने, अभी और लाने को है, इतनी और लाने के लिए इससे भी ज्यादा होगी। फिलहाल आ चुके हैं घर, भूख बहुत तेज आ रही है क्योंकि फिर बाद में उनको जाना पड़ता है। फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूँ इस डिपो के पास, क्या आपको पता है चैल चौक से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। अभी मैं फिलहाल इसलिए जा रहा हूँ चैल चौक क्योंकि मेरे को काम है थोड़ा सा। क्या आप इंस्टाग्राम की स्टोरी देख लेना और आपको फिर लग जाएगा, आपको पता है क्या काम था। एक 2 बंदों का वेट कर रहा हूँ, वो भी आ रहे हैं, उन्होंने बोला हमने भी जाना, फिर आ ही नहीं रहे, वो वेट तो कर रहा हूँ मैं। चलो वेट करते हैं फिर चलेंगे। गाड़ियाँ देखो मेरे लेके आजकल क्या चली है, सुभाष भाई इस गाड़ी में तो सुभाष भाई गए, हमारे बुआ जी के लड़के, उन्होंने ध्यान नहीं दिया बट मैंने देख लिया। फिर बैक पेन हो रहा बहुत दर्द पीछे, जस्ट मतलब कंधे की साइड पे नीचे। दोस्तों यहाँ पर आए थे हम, देखो अब देखो ये कहाँ की जगह है, अब लग जाएगा आपको पता। रोज रात को आना यहाँ पर चैल चौक में भाई, मजा आ जाता है आपको ठंडी ठंडी हवा खाने का। वार की ठिठोगी पारो वारा भाई, यही थोड़ा ना सकते गड्डिया रोकते बंदे। आज हम फिर से अकेले हैं, आज मैं करूँगा हॉरर ब्लॉगिंग। चैल चौक में पाई जाती है बोले सबसे ज्यादा चुड़ैल है। रोक भाई, भाई रोक वाला के छिड़ गया ऐसा क्यों? गाइस मैंने ऊपर मारी ये लाइट ताकि मैं देख सकूं, ऊपर वाली है लाइट वाला ताकि बंदे मेरे को देख सके यार, एक अपना बंदा है। कौन है जूनी डरदा आ रहे हो, ये रात के 1 बजे आओ कल्ला, ये छोटी मोटी दे रहे थे डर है वो ते टहल जा रही है, टहल लूंगा लग गया ये बड़ा भारी है बेजाने, ये बे कितने 7 बजे रहे। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ करना, एक आने की खुशी मेरा दिल चल जाए। मार दे खींच के रोड पे सो जा, खींच के मार, तू मार भाई, रोक भाई हाथ मारी दे। क्रेटा लाइन लाइन के बेजा इस कहाँ से फोर व्हीलर आ रहा, वो आ रहे इतने देर रोकी नहीं जो ये जाना रुक यार। फ्रेस हल्का फ्रेस भाई जी, हेलो हाय, रोको भाई, भाई चलो भाई गाड़ी तक आए बड़ा हो मेरा थक लगा मतलब सब चलो मुंडे चलो आए ओए हाजी हाजी पूरा दगा की पहचान बड़ी है भाई। हां भाई की पहचान है, हां जी नीचे मारा बड़ा बड़ा हाथ मारो या तो करो या मरो। धन्यवाद, ठंड बढ़ चुकी है दिन प्रतिदिन, छिपा बादल ने मेरी जान। रैप सुनाओ मैं आपको, रैप नहीं सुनाना आज आ रहा है, आज टाइम नहीं, आज रात को दिखेगा सुबह दिखाना। तो दोस्तों फाइनली अभी हम घर में पहुंच चुके हैं, टाइम आज भी बहुत ज्यादा लग गया चल चौक से आना भाई, टाइम तो लगता है भाई बहुत दूर है। वाह ये क्यूब किसने किया है सॉल्व, बड़े दिन हुए इसको देखे हुए। कोई बात नहीं अभी मैं कपड़े चेंज करूंगा और फिर खाना खाएंगे क्योंकि भूख भी है बहुत तेज। दोस्तों फिलहाल अभी खाना खा लिया, फिलहाल करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड, आई होप आपका आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।